ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ 10 ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। सवेरे आ जाता से फसल शाम तक चक लेते से और दूसरे दिन थोड़ी पेमेंट कर देते कोई सी है नहीं कोई सी एक ये होना चाहिए ना ये एक मुद्दा का काम है एक की मतलब है 10-10 से बुलाए को और एक के थोड़े 1510 से ना तो होना सी 1100 तक गया क्यों गया अजीब रुपए नहीं आ रहा है क्योंकि जनता छटते हैं और हो गए सारे सेमिनार में सब कुछ छटते हैं बालक भी छटते हैं ये भी छटते हैं सारा टोली में जाके टपले ही ना छट अब नुकसान क्या हो गया वो पड़ता जिना काम नहीं तो क्या है कि ठंड के बीच अपने फसल को बचे जाते सब वो ना होने को चला उसी रात के खाना किसानी मारती उसी बफार मारता उसी इंडस्ट्री मारती उसी जैसे सारे बच्चे आते हैं 90 साल बच्चे ने 18-35 साल दरमियान होना की नौकरियां मांग किया कुछ पूछताछ चाहते का कितने हुए अपने आप से सरकार ने तानी बना चुकी है कि पटियाला लड़ूंगा क्योंकि मैं लड़ना है और तो 47 साल तो लेकिन मैं लाले जाऊंगा इतने और फिर बाबे लोग कुकर लिए होते लाभी